रायपुर के ब्राह्मण पारा वार्ड क्रमांक 44 में बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई है। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने के चलते सभी प्रत्याशी और उनके परिजन मतदान केंद्र में घुस गए और अपने पक्ष में मतदाताओं से वोट डालने की अपील करते रहे। साथ ही लाइन में लगे मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करते रहे, लेकिन इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। यहाँ पर निर्वाचन टीम और सुरक्षा कर्मी भी प्रत्याशियों के सामने नतमस्तक दिखाई दिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग अपना अपने उसका प्रचार कर रहे हैं भाई कि हमारे कमल में ही देना। अच्छा, कमल में कौन खड़े है? कमल में सरिता आकाश दुबे। सरिता आकाश दुबे का प्रचार? जी जी जी। तो प्रत्याशी यहाँ पे है क्या? दूसरे बूथ पे हैं। अच्छा, पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। हम उगता सूरज जैसे शुक्ला उनकी फैमिली से हैं। अच्छा, हाँ जी। लोगों से किस तरह से बातचीत हो रही है? लोगों को हम यही बोल रहे हैं कि स्थानीय को प्राथमिकता दी जाए। मैं बोले कि आप एक नंबर, हम एक कार्य अपने में भाई बहु कड़ी ने ब्राह्मण पाड़ा रेखा विकास तिवारी उनके लिए सहयोग करें, एक नंबर पंजा छाप है चुनाव वोट दीजिएगा। पंजा छाप के लिए आप जी मतलब यहाँ पे लोगों को अपील कर रहे हैं कि पंजा छाप में एक नंबर पंजा छाप में दीजिए। हम लोग को 200-300 लोगों को बातचीत है। 200-300 लोगों से अब यहीं पे मतदान के यहीं पे? हाँ, यहीं पे होगी अपने और डाला डंगनिया पे सब चीज़ यहाँ पहुँच गया अपील करने। जी जी जी। आप यहाँ पे मतदान करने आए? नहीं नहीं, हम यहाँ पे प्रचार के लिए आए हैं। उगता सूरज। अच्छा, उगता सूरज का प्रचार जी है। कौन है यहाँ प्रत्याशी उगता सूरज? यहाँ पे प्रत्याशी यहाँ नहीं है, वो तो दूसरे बूथ में है, पर हम उनके समर्थक हैं। अच्छा, उनको अपील कर रहे हैं कि हमारी जो प्रत्याशी है। कौन है आपकी प्रत्याशी? सरिता आकाश दुबे कमल बीजेपी की है। अच्छा, जी, तो उसे अपील कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में आप मतदान कीजिए करके। लाइन के पास ये लोग खड़े होकर लोगों को अपील कर रहे हैं कि किस लोगों को बोल रहे हैं कि कौन से प्रत्याशी को वो कितने नंबर है, यहाँ तक ये बता रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी है, कौन सा उनका निशान है, उससे वोट देना है। तो इस तरह के मतदान केंद्र में अपील जारी है और यहाँ तक यहाँ पे इसको सीधा सीधा कहा जा सकता है कि भगवान भरोसा यहाँ मतदान हो रहा है। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी आप देख सकते हैं, दूर दूर तक कहीं भी यहाँ सुरक्षा कर्मी बाहर में नहीं दिख रहे हैं। मतदान केंद्र के बाहर प्रचार होना नियम के विरुद्ध है, लेकिन यहाँ पे मना नहीं की जा रही है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्याराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपके यहाँ ये मतदान केंद्र में घुस के प्रचार हो रही है, इसमें आप बोलने का नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? वाइट है, बोलते अपना कैमरा दिखाइए, कहाँ प्रचार हो रहा है बताइए। आप बताइए, हम लोग बात कर लिए हैं, हमारे पास अब यहाँ का कोई यहाँ का नहीं है मतदाता, हमने बात कर ली है। आप क्या कहते हैं इस पे? यहाँ जितने खड़े हैं सब मतदाता हैं, अपना मत देने ने कबूल किया। हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं, हम इस प्रत्याशी के हमारे पास है उसका। मेरे सामने कोई कबूल नहीं किया किसी ने कि यहाँ पे मतदाता के अलावा कोई। इससे किस तरह से कार्रवाई करेंगे? हम अभी जांच करवाते हैं। किससे जांच करवाएंगे? यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है? सुरक्षा की व्यवस्था है ना जी, देखिए पुलिस वाले खड़े हैं बाहर। जो हो रहा है आपके मतदान केंद्र है उसके बारे में क्या बोलेंगे? 200 मीटर की परिधि के बाहर क्या हो रहा है इसके लिए? 200 मीटर आपके परिसर है, गेट के सामने जी, ये गेट के सामने हो रहा है ये सब। गेट के सामने नहीं है जी, गेट के सामने बिल्कुल नहीं। कितना दूर है यहाँ? यहाँ बूथ से कितना दूर है यहाँ? देखिए यहाँ कोई ऐसा कोई मतलब कि प्रत्याशी नहीं खड़ा हमारे पास इसका रिकॉर्डिंग है कि वो कबूल कर रहे हैं कि हम इस प्रत्याशी के परिजन हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। हम लोगों से अपील कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? वो परिजन है या प्रत्याशी है ये वो आपके बाइट में बोला होगा, मुझसे तो नहीं आकर कहा। सर आप अपना नाम बता दीजिए जी। मेरा नाम जान क्या करेंगे? तहसील अधिकारी, जिम्मेदारी अधिकारी हैं, आपके यहाँ पे काम हो रहा है तो आपका नाम तो जानना जरूरी है। दिनेश मालवी, दिनेश मालवी। मैडम आपके ये मतदान केंद्र में अंदर में ये प्रचार कर रहे हैं लोग, यहाँ पे उनके परिजन घुस के नियम कहते हैं 100 मीटर 200 मीटर दूर में आप प्रचार कर सकते हैं 200 मीटर में, लेकिन आपके ये केंद्र के अंदर ही प्रचार कर रहे हैं लोग खड़े होके। सर ये तो अभी वोटर ही आ रहे हैं हमारे सामने जो आ रहे हैं वो लोग कबूल, उनने कबूल कर रहे हैं कि तो यहाँ पे कौन देखेगा? कौन देखेगा बताइए ना, कौन देखेगा? कौन यहाँ पे आपका सुरक्षा कर्मी नहीं है? आप यहाँ पे कौन देखेगा? सुरक्षा कर्मी हमारे, उनसे हमारे सुरक्षा कर्मी है यहाँ पे, लोग से प्रचार करते देखे हैं? मैं नहीं देखा। आप नहीं देखे? ठीक है, इनने कहा है ना नहीं देखे, ये देखेंगे ना बाहर के यहाँ काम देखना है तो अंदर का काम देखूंगा। जो भगवान भरोसे मतदान जारी है तो इसे समझा जा सकता है कि किस तरह का मतदान हो रहा है और इसका कितना फायदा मिलेगा प्रत्याशियों को। कैमरामैन श्याम के साथ सत्याराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।